आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जो है Q&A सीरीज, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके दो सवाल जो सिलेक्ट किए हैं वो है कि यदि किसी को टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करनी है तो उसे आज की तारीख में कौन से टेस्ट कराना चाहिए, और दूसरा यदि किसी की ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो उसे किस प्रकार से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, और मेरा ये मानना है कि टाइप 2 डायबिटीज को अब ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स किया जा सकता है। डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस से डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रिवर्सल और रिमिजन किया जा सकता है। इसलिए हम इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं कि आपको अवेयरनेस और एजुकेशन हो सके डायबिटीज के बारे में। इस वीडियो के अंत में या इसके दौरान आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, परंतु उसके आंसर पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो द कंप्लीट गाइड टू डायबो रिवर्सल वाले वीडियो के ऊपर नीलम कुमारी जी ने सवाल किया है, टेस्ट कौन से कराने हैं। दरअसल ये पूछना चाहती हैं कि अगर डायबिटीज रिवर्स करनी है तो हमें आज की तारीख में कौन से टेस्ट कराना चाहिए। दरअसल इन टेस्ट को चार कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है, और चौथे कैटेगरी में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो डायबिटीज रिवर्सल से संबंधित हैं, और ये टेस्ट अक्सर आपके डॉक्टर्स कराते नहीं हैं क्योंकि वो आपको डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए दवाइयां और आपका प्रोटोकॉल रखते हैं, और ये नहीं कराने का ट्रेंड ग्लोबली है। मैंने जो आउट ऑफ इंडिया के पेशेंट है अब्रॉड के, उनके साथ भी ये देखा है, उनके डॉक्टर भी नहीं कराते। तो इसलिए हमारे डॉक्टर तो कराएंगे ही नहीं क्योंकि हम तो 100 साल से कॉपीकैट बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में इन टेस्ट की भी हम चर्चा करेंगे। अब जो सबसे पहली कैटेगरी जो टेस्ट आपको कराने जरूरी है वो है लिवर फंक्शन, क्योंकि डायबिटीज के मरीज के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि फैटी लिवर की समस्या तो काफी आम होती है, क्योंकि दरअसल मोटापे की शुरुआत फैटी लिवर से होती है और उसके बाद में कई सालों के बाद में पेशेंट डायबिटिक होता है। तो लिवर का आज की तारीख में क्या स्थिति है जानना जरूरी है। इसके साथ में डायबिटीज का इम्पैक्ट किडनी के ऊपर आता है तो किडनी फंक्शन, हार्ट पे आता है तो लिपिड प्रोफाइल और बाकी के हार्ट रिलेटेड प्रोफाइल का करना जरूरी है। एक जनरल वेलबींग के लिए थायराइड का टेस्ट जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो थायराइड की भी समस्या आती है। फिर विटामिन B12 और विटामिन डी की अक्सर कमी लोगों के अंदर देखी जाती है, और न्यूरोपैथी के पेशेंट्स के अंदर अक्सर विटामिन B12 की कमी पाई गई है। तो इन टेस्ट का होना काफी आवश्यक है जिससे मालूम पड़ सके कि पेशेंट के अंदर ऑर्गन्स के अंदर क्या कहानी चल रही है, तो उस हिसाब से उसका इलाज किया जा सके, डाइटरी प्रोटोकॉल में इस चीज का ठीक से ख्याल रखा जा सके। इसके बाद जो जनरल टेस्ट है उनका करना भी जरूरी है, इससे पता पड़ता है कि बॉडी का स्टेटस क्या है, जैसे CBC, ESR, CRP। दरअसल इसको मैं और अच्छे से आपको समझाना चाहूंगा, बॉडी के अंदर कितना रक्त है, खून है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज। कुछ लोगों के पैरों में सूजन आती है तो अक्सर एनीमिया के कारण पैरों में सूजन आ सकती है, या फिर WBC की स्थिति क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं की क्या स्थिति है, प्लेटलेट काउंट क्या है पेशेंट के अंदर, वो जानना जरूरी है, ESR जानना जरूरी है। तो मालूम पड़े कि डायबिटीज के कारण या फिर किसी और इन्फेक्शन के कारण मरीज का ESR बढ़ा हुआ तो नहीं है, बॉडी में इन्फ्लामेशन की क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ में CRP की जांच कराई जाती है जो स्टेटस बताती है इन्फ्लामेशन का। इसके बाद में जो अक्सर आप लोग टेस्ट कराते हैं और घर पे भी करते हैं वो है ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर और खाना खाने के बाद की पोस्टपेरेंडियल ब्लड शुगर। दरअसल अगर ब्लड शुगर आपकी 110 के नीचे फास्टिंग में आ रही है तो ये नॉर्मल कैटेगरी में गिना जाता है, 110 से 124 125 तक है तो इसे प्री डायबिटिक कैटेगरी में रखते हैं, और अगर 125 के ऊपर है तो इसको फुल ब्लोन डायबिटिक कैटेगरी में रखा जाता है। उसी प्रकार से अगर खाना खाने के बाद की शुगर 140 के नीचे है या 160 के नीचे है तो इसको नियर नॉर्मल कैटेगरी में लिया जाता है, 140 से 160 या इवन 200 तक है तो प्री डायबिटिक,
और अगर 200 के ऊपर है तो फुल ब्लोन डायबिटिक कैटेगरी के अंदर डिनोट किया जाता है। फिर जो दूसरा टेस्ट है जो आपके 3 महीने का ब्लड शुगर का एवरेज बताता है वो है HbA1c। ये बताता है कि आपको डायबिटिक है कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने कल रात को पार्टी किया और सुबह में आपकी ब्लड शुगर थोड़ी सी बॉर्डर पर आ गई, तो आपका सोचना ये हो जाता है कि कल रात पार्टी किया था इसलिए मेरी ब्लड शुगर बढ़ के आई है। तो HbA1c आपके 3 महीने का एवरेज बताता है। दरअसल होता क्या है, जब खून में आपके हीमोग्लोबिन सर्कुलेट होता है तो साथ में ग्लूकोज भी चल रही है, तो ये ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के ऊपर जाकर के चिपक जाता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो इसको परसेंट से डिनोट किया जाता है, अगर ये 5.7 के नीचे है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 है तो ये प्री डायबिटिक है, और 6.4 के 6.5 के ऊपर है तो इसको डायबिटिक कहा जाता है। हालांकि इस चीज का इंपॉर्टेंस शुरुआत में डायग्नोसिस के टाइम पर अधिक है, बाद में आप जब दवाइयां लेने लगते हैं तो दवाइयों के इन्फ्लुएंस में HbA1c कम भी आ सकता है, वो दिखाता है कि आपका कंट्रोल बेटर है। तो ये टेस्ट इसलिए डॉक्टर कराते हैं कि वो आपकी दवाइयों को कैलिब्रेट कर सके। कई बार मरीज का HbA1c वेल अंडर कंट्रोल दिखता है पर वो हैवी मेडिकेशन पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी आपके अंदर किसी कमी के स्तर पर है, बीमारी आपके अंदर काफी अधिक है पर दवाइयों के माध्यम से आपने उसको कंट्रोल कर रखा है, ये उस बात को डिनोट करता है। पर मरीज ये सोच करके खुश होते हैं कि भले दवाइयां खा रहे हैं उनकी ब्लड शुगर तो कंट्रोल में है, पर ये चीज आपको लॉन्ग रन में कॉम्प्लिकेशंस देती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी, बॉडी में इम्बैलेंस, किडनी का खराब होना। देखिए, अगर डायबिटीज के अंदर आपका दवाइयों के माध्यम से इलाज हो रहा है और उसे आप सही ठहराते हैं तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में डायबिटीज के चलते क्यों आते हैं? आपके डॉक्टर्स आपको फ्लैटली एक लाइन बोलते हैं कि भाई अगर आप डायबिटिक है तो ये सब कॉम्प्लिकेशन आपको आने वाले हैं, ऐसा क्यों? जब आप इलाज ले रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आपका इलाज कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 3 कैटेगरी टेस्ट की मैंने आपको बताई, अब हम चर्चा करेंगे उस 4th कैटेगरी की, जो टेस्ट अक्सर आपके डॉक्टर्स कराते नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट ग्लोबली कोई भी डॉक्टर कराते नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं बेसिकली आपकी डायबिटीज के मेंटेनेंस पर, ना कि रिवर्सल पर। तो हमारे देश के डॉक्टर भी नहीं कराते। और ये टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर के साथ फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड। देखिए, यहां आपको ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज क्यों हुआ है। टाइप 2 डायबिटीज के होने के पीछे कारण ये नहीं है कि आपके बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है। आपके बॉडी में आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बन रहा है, पर आपका शरीर उसको रजिस्ट कर रहा है, इसलिए आपको टाइप 2 डायबिटीज है। अगर उस रेजिस्टेंस को हम डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस से घटा सकें तो आपकी डायबिटीज को भी रिवर्स या रिमिजन किया जा सकता है। कंट्रोल तो इजीली 3 से 5 दिन में पाया जा सकता है। अब यूजुअली इस फास्टिंग इंसुलिन की जब हम जांच कराते हैं तो इसकी रेंज आपके ब्लड टेस्ट में दी होती है 2 से लेकर 25 तक या 3 से लेकर 25 तक। ऐसी स्थिति में जब आप देखते हैं कि आपका फास्टिंग इंसुलिन 7, 10, 15 या 20 है तो आपको इस बात का एहसास होता है कि ये नॉर्मल रेंज में है। आपके डॉक्टर भी इसको नॉर्मल डिनोट करते हैं, परंतु मैंने मेरे अनुभव से ये देखा है कि अगर ये 2 या 3 से 5 तक है तो आप नॉन डायबिटिक रहते हैं। 5 से जैसे ही फास्टिंग इंसुलिन ऊपर जाने लगता है आप डायबिटीज के रेंज में आना शुरू हो जाते हैं। 15 और 20 पर तो गए आते तो आप फुल ब्लोन डायबिटिक हो जाते हैं। उस समय तक तो बहुत हाई रेजिस्टेंस आपके शरीर में आ चुका होता है। इस रेजिस्टेंस को अगर हम घटा सकें तो हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स कर सकते हैं। और इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल इसको कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले हैं, एक अब्रॉड आउट ऑफ इंडिया यूज किया जाता है जो मिली मोल बेस्ड है, और दूसरा जो हमारे देश में प्रचलित है वो है होमा IR कैलकुलेट करने के लिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। तो इसमें आपको सबसे पहले फार्मूले के हिसाब से अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर को अपने फास्टिंग इंसुलिन के साथ में मल्टीप्लाई करना है
और उसे डिवाइड करना है कांस्टेंट 405 से। तो देखिए सामने स्क्रीन पर एक फिगर निकल करके आती है। अगर ये फिगर होमा आईआर की है जो 0.4 से अगर 1.5 के बीच में है तो आपके बॉडी में होमा आईआर नॉर्मल रेंज में है, या फिर आपके शरीर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस उतना नहीं है, आपकी बॉडी सेंसिटिव है। यही अगर 1.5 से 2.9 के बीच आता है तो आपके बॉडी में रेजिस्टेंस है, पॉसिबली आप डायबिटिक हो सकते हैं, और 2.9 के अगर ऊपर है तो हाई रेजिस्टेंस है और आपका डायबिटिक होना तय है। पर जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है, अगर 1.25 के नीचे आपका होमा आईआर है तो उस स्थिति में आपकी बॉडी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव है, आप नॉन डायबिटिक रहते हैं। पर जैसे ही 1.25 के ऊपर जाता है आप डायबिटिक होने लगते हैं, और 2 के ऊपर तो पक्का डायबिटिक हो जाते हैं, और 3 के ऊपर तो बहुत हाई रेजिस्टेंस है। ऐसी स्थिति के अंदर इवन कई पेशेंट्स इंसुलिन लेते हुए भी मेरे को दिखे हैं। तो इसे अगर हम घटा सकें तो अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो जो अगला टेस्ट है वो है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड की जांच कराने से ये मालूम पड़ता है कि आपकी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन कितना बन रहा है। अगर नेचुरल इंसुलिन अच्छा बन रहा है तो डेफिनेटली आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ इफेक्टिवली कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर पाएंगे, और अगर सी पेप्टाइड काफ़ी कम बन रहा है तो इसकी संभावनाएं रिमोट होती जाती हैं, और अक्सर देखा गया है कि ऐसे मरीज इंसुलिन के इंजेक्शन पर होते हैं। परंतु ऐसी स्थिति के अंदर भी मैंने ये देखा है कि मरीज को होप नहीं खोना चाहिए। अगर सी पेप्टाइड बॉटम लाइन से कई बार कम भी होता है तो हमारे LDCF डाइट के प्रोटोकॉल जो अक्सर हम कोर्सेज में देते हैं उन्हें फॉलो करने से मरीज के बीटा सेल्स कुछ हद तक रिवाइव होते हैं, सी पेप्टाइड में इम्प्रूवमेंट आता है, वो अपने इंजेक्शंस को छोड़ पाते हैं इंसुलिन के, और फिर आगे बढ़ पाते हैं टूवर्ड्स रिवर्सल प्रोटोकॉल। पर रिवर्सल प्रोटोकॉल के लिए इस जांच का होना जरूरी है। अब यदि आप भी डायबिटिक हैं तो इन कोर्सेज के माध्यम से अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा करके आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। कई मरीजों ने इस प्रकार किया और अब तो ये रूटीन की बात हो गई है मेरे लिए। कुछ के साक्षात्कार मैंने रिकॉर्ड करके भी इस चैनल पर डाले हैं, जिसमें से आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं जेम्स नाडार, जिनके पहले ब्लड शुगर की रीडिंग्स क्या रहती थी और रिवर्सल के बाद जिन्होंने मात्र 6 महीने में किया और फिर उनकी रीडिंग्स किस प्रकार की आने लगी। वहीं नवीन सिंह जी ने लगभग 4 महीने के अंदर अपना डायबिटीज का रिवर्सल कर पाया, इनकी रीडिंग भी आप सामने देख सकते हैं। उसी प्रकार अनिकेत जी जो मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग के अंदर कार्यरत हैं, उन्होंने भी लगभग 3 से 4 महीने के अंदर कोर्सेज के माध्यम से अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर पाया, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं और आप भी इनका हिस्सा बन सकते हैं। और ये कोर्सेज अब काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर आपके लिए उपलब्ध हैं, जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसके अंदर आपको पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन मिलती है जो पूरी तरह से ट्रेंड है, उसके बाद में डाइटिशियन की कंसल्टेशन और उसका डाइट चार्ट मिलता है, फिर इसके बाद इन कोर्सेज के अंदर आपको योगा सेशन मिलते हैं, इसके बाद में आपको कई सारे फूड मॉडिफिकेशन के रेसिपीज मिलते हैं, जिससे आप LDCF डाइट के माध्यम से अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसको रिवर्स कर सकते हैं। और जो मंथली मीट होती हैं उनमें अगर आपके कुछ क्वेश्चन और क्वेरीज हैं तो आप मेरे से भी डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका पाते हैं, और कई प्रकार के जो रिवर्सल प्रोग्राम है उनमें मेरे साथ में डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नंबर पर कॉल करके पा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल मेरे इस वीडियो को लेकर के पूछा है, 7 डेज डायबिटीज कंट्रोल LDCF चार्ट। बाबा किशोर जी पूछते हैं, सर मुझे आज ही पता चला है मुझे शुगर की शिकायत है, HbA1c टेस्ट कराया है 11.6 और एवरेज ग्लूकोज 286 निकला, मुझे क्या करना चाहिए? दरअसल जिन लोगों की ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, ये यही कहना चाहते हैं कि जिनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है वो क्या करें। तो देखिए, यदि ऐसे केस में ब्लड शुगर काफ़ी हाई निकली है तो सबसे पहले आप चाहें तो अपने डॉक्टर को संपर्क करें, और अगर एलोपैथिक दवाइयां भी 2-4-6 दिन को लेनी पड़े तो ले सकते हैं।
या जो लोग एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं वो एकदम से दवाइयां ना छोड़ें, पहले आप डायबिटिक डाइट के बारे में जानें। एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आप शक्कर खाते हैं, आपको मालूम है कि आपको शक्कर नहीं खाना क्योंकि यह 100% कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ब्लड शुगर बढ़ाएगी। वहीं अगर आप गुड़ खाते हैं, डायबिटीज का मरीज इसका भी सेवन नहीं करता, उसे मालूम है कि यह 90 से 95% तक शुगर है। अब यदि आप हनी पीते हैं तो आपको मालूम है कि डायबिटीज का मरीज अगर इसे पिएगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगी, पर कुछ लोग नेचुरल सोच के पी लेते हैं जो गलत है क्योंकि ये 80% शुगर है। पर आप ये बात नहीं जानते कि चावल 80% शुगर है, हनी के बराबर है, या साबूदाना, कॉर्नफ्लेक्स, ये 80% शुगर है, इसकी आपको जानकारी नहीं है। काजू कतली आप डायबिटिक हैं तो नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि उसमें 60% शक्कर है। वहीं आपकी एक रोटी के अंदर भी 60% शुगर है क्योंकि एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर है, चाहे वो किसी भी अनाज की बनी हो जो आप घर पे बनाते हैं। तो यदि डायबिटीज के मरीज को इन चीजों की जानकारी नहीं है, LDCF डाइट फॉलो करेंगे तो विद इन अ डे आपको अपने ब्लड शुगर में फर्क दिखाई देने लगेगा। तो या तो आप दवाइयां शुरू करके फिर LDCF डाइट की जानकारी लें और अपनी डाइट को फॉलो करना शुरू करें, या आप दवाइयां नहीं भी शुरू करना चाहते तो कल से ही स्ट्रिक्टली डाइटरी प्रोटोकॉल LDCF डाइट के हिसाब से शुरू करें, तो आपकी विद इन अ डे और टू ब्लड शुगर ड्रॉप होने लगेगी। इसका इफेक्ट आपको एक दिन में दिखाई देने लगेगा। आपको विश्वास नहीं तो मेरी LDCF डाइट की जो वीडियो जिसका लिंक मैं सामने दिखा रहा हूं, इसे फॉलो करके आप शुरुआत कर सकते हैं और फिर कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ आप कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रिसेंटली डायबिटीज डायग्नोज हुई है, आपके रिवर्सल की पॉसिबिलिटी उतनी ही स्ट्रांग है। अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है, आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो अगर कुछ लोगों की 30 साल से कम भी हो सकती है, पर अगर टाइप 2 डायबिटिक है तो वो रिवर्स भी कर सकते हैं। अब लगे हाथ में आपको कुछ टिप्स भी दे देता हूं। अगर आप दुबले पतले हैं और डायबिटिक हो गए हैं तो आपको ब्लड टेस्ट कराने जरूरी हैं और डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। दूसरा, अगर आपका वजन थोड़ा भी ज्यादा है तो आप फास्टिंग के अंदर जा सकते हैं और लो कार्ब डाइट में जाएं, जैसा मैंने आपको LDCF डाइट बताया। मॉर्निंग में अगर आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग में अधिक है, जैसे सपोज करिए 150 है, 160 है, 200 है या 130 है, तो आपके बॉडी में जरूरत से ज्यादा शुगर है। साथ में अगर आपका वजन भी नॉर्मल से अधिक है तो आपकी बॉडी में सफिशियंट शुगर है। अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं तो पॉसिबल है दोपहर तक आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप होकर के बेटर लेवल पर आ जाए। उस लेवल पर अगर आप लो कार्ब डाइट अगर लेते हैं तो आपकी ब्लड शुगर उतनी स्पाइक नहीं करेगी जितनी आज स्पाइक कर रही है, तो विद इन अ डे आपको बेटर कंट्रोल अपने ब्लड शुगर पर आएगा। इसके साथ में आपको रोज की 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज या एक्टिविटी या योगा करना चाहिए, तो इससे इमीडिएट आपका ब्लड शुगर ड्रॉप होगा। जब भी आप मील करते हैं उसके 1 से 2 घंटे के अंदर आपको 15 से 20 मिनट की कुछ अच्छी एक्सरसाइज या रिग्रेस वॉक या एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। इसके बाद भी आप और जानकारी चाहते हैं तो नीचे मैंने नंबर डाले हुए, उस पर बात करके आप मेरे असिस्टेंट की, मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।